बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर ऑनलाइन क्लास फॉर समर वेकेशन होमवर्क एंड टुडेज डेट इज़ 9 जुलाई 2020। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 द गिफ्टेड चिल्ड्रन लेसन नंबर 2 पढ़ना है। टॉपिक है आपके पास वर्ड्स, इसमें आपने वर्ड्स ऐड करने हैं एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए। आपने एडजेक्टिव को इंग्लिश बी में भी पढ़ा है कि ये किसी की भी खूबी या खामी को कहा जाता है या किसी की करैक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियत को कहा जाता है। तो आपने इस एक्सरसाइज में भी आपने उन वर्ड्स को जो है वो ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, पीपल कैन रन फास्ट, लोग दौड़ सकते हैं तेज, और डू द लॉन्ग जंप और हाई जंप, और लंबी और ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो ऐसा कौन कर सकते हैं? या तो स्पोर्टी पर्संस कर सकते हैं या फिर एथलीट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो ये काम कर सकते हैं जंपिंग वगैरह, उनकी एडजेक्टिव खसूसियत क्या होती है कि वो एथलीट होते हैं। नेक्स्ट देखें, इफ़ यू कैन ड्रॉ एंड पेंट वेल, अगर आप पेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो आप क्या कहलाएंगे? आर्टिस्ट। अगर आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले कर सकते हैं यानी कि गिटार बजा सकते हैं, हारमोनियम प्ले कर सकते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? म्यूजिशियन। अगर आप लोग एक हेल्दी स्पोर्ट्स करते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? स्पोर्टी। और अगर आप जोक्स करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? फ़नी पर्सन। ये बहुत ही मज़े की आपकी एक्टिविटी है जिसको आप अपनी कॉपीज में राइट डाउन करेंगे। फर्दर जो है वो इंग्लिश बी का वर्क है लेटर पढ़ना है। आज हम लोगों ने टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, आपने अपनी बर्थडे का गिफ्ट पे थैंक्स बोलना है अपने अंकल को। सबसे पहले आपने पैटर्न देखना है, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा लाहौर फुल स्टॉप, डेट डालनी है फुल स्टॉप, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और डियर अंकल कॉमा लगाना है, अस्सलामुअलैकुम आपने पूरा लिखना है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। देन है, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट पार्सल यस्टरडे, मैंने आपका ख़त और गिफ्ट वसूल किया कल, विच यू सेंड मी ऑन माई बर्थडे, जो कि आपने मुझे मेरी बर्थडे पे दिया। आई गॉट मैनी गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों से बहुत तोहफे मिले, बट योर्स इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन आपका सबसे बेस्ट है। इट इज़ अ रिस्ट वॉच, ये एक घड़ी है, इट विल मेक मी पंक्चुअल, ये मुझे बकायदा करेगी। इट विल रिमाइंड मी द वैल्यू ऑफ टाइम, ये मुझे वक्त की कदर कीमत बताएगी। आई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस तोहफे पे। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर आंट, आंटी को सलाम कहिएगा, योर अफेक्शनेटली, कॉमा लगाएंगे आप एक्स वाई जी। तो ये लेटर का पैटर्न है, इसको आपने अपनी कॉपीज में टाइटल पेज बनाने के बाद राइट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है।